किसी भी स्कूल के लिए एक बहुत ही फ़ख्र और एजाज़ का बात होती है कि उसका एलुमनाई, उसका स्टूडेंट जब वो एलुमनाई बनता है वो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करे और हायर रैंक्स में जाए। और हमारे स्कूल के लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आर्मी और एयरफोर्स में टॉप रैंकिंग पे हमारे एलुमनाई पहुँचे हैं। एयरफोर्स के अंदर जो हमारे एलुमनाई हैं एयर मार्शल NGS ढिल्लन, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हेड कर रहे हैं एयरफोर्स के अंदर और स्कूल के एक एलुमनाई हैं और उसी तरह दो स्कूल के एलुमनाई जो कि सूर्य किरण टीम के अंदर हैं, पायलट्स हैं। बहुत ही रेयर होता है कि ऐसे किसी स्कूल को ऐसा मौका मिले। आप हमारे लिए स्कूल के लिए एयर शो एक ऑर्गेनाइज हम कराना चाहते हैं, ऐसी हमने रिक्वेस्ट की उनसे और यहाँ से हमने उनको चिट्ठी भेजी 2-3 महीने पहले और उन्होंने हमारी बहुत मदद की और इस तरह से ये एयर शो एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया। 15 तारीख को यानी कल ये एयर शो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तकरीबन 20 मिनट का शो है जिसके अंदर हमारे स्कूल के दो पायलट्स, यंग पायलट्स, विंग कमांडर गुरप्रीत सिंह और स्क्वाड्रन लीडर नवजोत सिंह जो कि बहुत ही क्वालिफाइड पायलट्स हैं, दे आर ऑल इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग पायलट्स हैं, वो इसके अंदर पार्ट कर रहे हैं। और इनके अलावा 9 जो फॉर्मेशंस होती है हवाई जहाज़ों की वो यहाँ कल डिस्प्ले करेगी। और हमने अपनी तरफ से तकरीबन 32-33 स्कूलों को यहाँ बुलाया है, जिस तरह के हमको सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बाकी जगह अलॉट कर दी गई है, तकरीबन 5,000 बच्चे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके अलावा इतने ही तकरीबन 400-500 या उससे ज़्यादा सिविल डिग्निटरीज़ भी होंगे, सिविल जो यहाँ के होंगे, आर्मी के जो लोकल फॉर्मेशन यूनिट के लोग भी आएंगे यहाँ। जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हमने पूरी दे दी है और ये टीम आएगी। और जो कि हमारे को भी इंफॉर्मेशन आई है, इस एयरफोर्स टीम के ग्रुप कैप्टन प्रशांत ग्रोवर जो कि इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं और टीम लीडर हैं, और उनका तकरीबन 2600 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, MiG-21 के क्वालिफाइड पायलट हैं, तो वो इनको लीड करेंगे। और मेरे स्कूल के लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, साथ ही सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए, कि जैसा मेरे को इस टीम से पता लगा है कि ये पहली बार है वो किसी स्कूल के अंदर और स्कूल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और बेसिक हमारा मुद्दा यही है कि आज के यूथ को डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट किया जाए, एक चैलेंजिंग लाइफ के लिए मोटिवेट किया जाए, एक एडवेंचरस लाइफ के लिए, एक अनपैरेलल लाइफ के लिए मोटिवेट किया जाए। जो ये चीज़ें हैं ये कहीं और नहीं मिल पाती हैं, ये डिफेंस फोर्सेस ऑफर करती हैं। डिफेंस फोर्सेस हो गई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पर्टिकुलरली ये एयरफोर्स की टीम है। सो आर एम स्टैंड्स कि भाई डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट करना। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कपूरथला के और नवाशहर से और आसपास, सुल्तानपुर, लोधी, ब्यास, कई काफ़ी स्कूल आ रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं, सो वी आर गेटिंग अप फॉर दैट। किसी भी स्कूल के लिए एक बहुत ही फ़ख्र और एजाज़ का बात होती है कि उसका एलुमनाई, उसका स्टूडेंट जब वो एलुमनाई बनता है वो अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करे और हायर रैंक्स में जाए। और हमारे स्कूल के लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आर्मी और एयरफोर्स में टॉप रैंकिंग पे हमारे एलुमनाई पहुँचे हैं। एयरफोर्स के अंदर जो हमारे एलुमनाई हैं एयर मार्शल NGS ढिल्लन, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हेड कर रहे हैं एयरफोर्स के अंदर और स्कूल के एक एलुमनाई हैं और उसी तरह दो स्कूल के एलुमनाई जो कि सूर्य किरण टीम के अंदर हैं, पायलट्स हैं। बहुत ही रेयर होता है कि ऐसे किसी स्कूल को ऐसा मौका मिले। आप हमारे लिए स्कूल के लिए एयर शो एक ऑर्गेनाइज हम कराना चाहते हैं, ऐसी हमने रिक्वेस्ट की उनसे और यहाँ से हमने उनको चिट्ठी भेजी 2-3 महीने पहले और उन्होंने हमारी बहुत मदद की और इस तरह से ये एयर शो एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया। 15 तारीख को यानी कल ये एयर शो यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तकरीबन 20 मिनट का शो है जिसके अंदर हमारे स्कूल के दो पायलट्स, यंग पायलट्स, विंग कमांडर गुरप्रीत सिंह और स्क्वाड्रन लीडर नवजोत सिंह जो कि बहुत ही क्वालिफाइड पायलट्स हैं, दे आर ऑल इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग पायलट्स हैं, वो इसके अंदर पार्ट कर रहे हैं। और इनके अलावा 9 जो फॉर्मेशंस होती है हवाई जहाज़ों की वो यहाँ कल डिस्प्ले करेगी।
और हमने अपनी तरफ से तकरीबन 32-33 स्कूलों को यहाँ बताया बुलाया है, जिस तरह के हमको सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बाकी जगह अलॉट कर दी गई है तकरीबन 5,000 बच्चे, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके अलावा इतने ही तकरीबन 400-500 या उससे ज़्यादा सिविल डिग्निटरीज़ भी होंगे, सिविल जो यहाँ के होंगे, आर्मी के जो लोकल फॉर्मेशन यूनिट के लोग भी आएंगे यहाँ। जितनी हमारी कैपेसिटी है वो उस हमने पूरी दे दी है, और ये टीम आएगी, और जो कि हमारे को भी इन्फॉर्मेशन आई है, इस एयरफोर्स टीम के ग्रुप कैप्टन प्रशांत ग्रोवर जो कि इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं और टीम लीडर हैं, और उनका तकरीबन 2600 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, MiG-21 के क्वालिफाइड पायलट हैं, तो वो इनको लीड करेंगे, और मेरे स्कूल के लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, साथ ही सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए, कि जैसा मेरे को इस टीम से पता लगा है कि ये पहली बार है वो किसी स्कूल के अंदर और स्कूल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और बेसिक हमारा मुद्दा यही है कि आज के यूथ को डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट किया जाए, एक चैलेंजिंग लाइफ के लिए मोटिवेट किया जाए, एक एडवेंचरस लाइफ के लिए, एक अनपैरेलल लाइफ के लिए मोटिवेट किया जाए, जो ये चीज़ें हैं ये कहीं और नहीं मिल पाती हैं, ये डिफेंस फोर्सेस ऑफर करती हैं। डिफेंस फोर्सेस हो गई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पर्टिकुलरली ये एयरफोर्स की टीम है, सो आर एम स्टैंड्स के भी डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट करना, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कपूरथला के और नवाशहर से और आसपास सुल्तानपुर, लोधी, ब्यास, कई काफ़ी स्कूल आ रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं, सो वी आर गेटिंग अप फॉर दैट, कि आज के यूथ को डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट किया जाए, एक चैलेंजिंग लाइफ के लिए मोटिवेट किया जाए, एक एडवेंचरस लाइफ के लिए, एक अनपैरेलल लाइफ के लिए मोटिवेट किया जाए, जो ये चीज़ें हैं ये कहीं और नहीं मिल पाती हैं, ये डिफेंस फोर्सेस ऑफर करती हैं। डिफेंस फोर्सेस हो गई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पर्टिकुलरली ये एयरफोर्स की टीम है, सो आर एम स्टैंड्स के भी डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट करना, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कपूरथला के और नवाशहर से और आसपास सुल्तानपुर, लोधी, ब्यास, कई काफ़ी स्कूल आ रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स भी आ रहे हैं, सो वी आर गेटिंग अप फॉर दैट।